तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन फर्स्ट। देखिए इसमें क्या डिफरेंट है एक्सरसाइज 2.3 और 2.4 में, ठीक है। पहले मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कुछ चीज़। अगर यही क्वेश्चन पहला पार्ट डिवाइड करना है इसमें, तो वैसे चलो मान लो मैंने आपको यही दे दिया, ठीक है, मैंने कह दिया इसको मल्टीप्लाई करो, तो आप तो कहोगे कि भैया सिंपल है, जो कट रहा है उसे काट देंगे और आंसर लिख देंगे नहीं, ठीक है। अब मैंने कह दिया इसी को अब डिवाइड करो, अब क्या करोगे, ना तो 3/4 से डिवाइड होता है, जब डिवाइड करके फिर डिवाइड करोगे 12 से, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जब ऐसा होता है हमें भी पता है जो नंबर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, जैसे मान लो 1/2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, तो इसी का रेसिप्रोकल 2/1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब समझो, देखो जैसे देखा 1 × 2 = 4, ठीक है। अब देखो 1 के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर हम उसको उधर ले जाए तो ये हो जाएगा 4/2, जो इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, जो इधर प्लस उधर जाके माइनस। तो बस यही करना है इस क्वेश्चन में, मैं आपको लिख देता हूँ, जो यहाँ पे मल्टीप्लाई है उधर जाके डिवाइड, किसी के नंबर के साथ जो मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, जो इधर प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस हो जाएगा, जो इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो इधर माइनस हो रहा है उधर जाके प्लस हो जाएगा। सिंपल है, जो इधर मल्टीप्लाई वो डिवाइड, प्लस माइनस माइनस प्लस डिवाइड मल्टीप्लाई, यही करना है इस क्वेश्चन में। तो ये समझ गए होंगे आप, तो इसमें तो सिर्फ डिवाइड को चेंज करना है। तो आइए देखते हैं आंसर। पहला पार्ट में देखा है 12/3/4, ठीक है, कुछ नहीं करना है, जो यहाँ डिवाइड है इसका रेसिप्रोकल मतलब इसका उल्टा 4/3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी हो गया आपका सिंपल फॉर्म, जो आप सिंपल करते थे, जो कट रहा है उसे काट देते हैं, तो ये आएगा 4/4 = 16। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट, उसका रेसिप्रोकल मतलब उसको उल्टा करेंगे तो उसका सिंबल भी चेंज हो जाएगा। और वैसे सेकंड पार्ट देखते हैं, तो सेकंड पार्ट ये दे रखा है 14/5/6। अब देखिए ये डिवाइड है होना बहुत मुश्किल है, इसका उल्टा कर देते हैं हम 14, इसको अगर उल्टा करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई में और नंबर हो जाएगा रेसिप्रोकल उल्टा। तो अब ये अभी भी डिवाइड तो नहीं होगा, अभी मतलब कटेगा तो नहीं, पर हम मल्टीप्लाई को सिंपली सिंपल मल्टीप्लाई कर सकते हैं बिना किसी एलसीएम और सिम के। तो ये हो जाएगा 6/24 = 84/30 हो गया आपका आंसर, ठीक है। क्यों, जब मल्टीप्लाई के साइन में आ जाता है तो कुछ कटे ना कटे हम सिंपल उसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। थर्ड पार्ट में देगा 8/7/3, सिंपली है, जैसे प्रोवाइड करेंगे साइन बदलेगा, कट रहा है नहीं कट रहा है कोई दिक्कत नहीं है, सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए 8/24/7 ही हो गया इसका आंसर, इसे नोट कर लीजिए। ऐसे फोर्थ पार्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट में देखते हैं 4/8/3, ठीक है, 4 जैसे प्रोवाइड करेंगे साइन बदलेगा डिवाइड होगा। अब देखिए इसमें कट रहा है 4 × 4 = 8, तो ये हो गया 3/2, ये हो गया फोर्थ का, इसे नोट कर लीजिए। अब देखते हैं फिफ्थ एंड सिक्स्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट में देखा है 3/2/1/3। अब देखिए इसमें क्या डिफरेंस है, कुछ नहीं है, मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में, इसे पहले इस फॉर्म में लाते हैं, तो ये रहेगा 3 × 6 + 1 = 7/3, अभी भी ये सॉल्व नहीं होगा, तो इसे हम रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई में ला के साइन बदलते हैं, तो अभी भी मतलब कटेगा तो नहीं कुछ, पर सिंपली हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते थे 9/7, ये हो गया फिफ्थ का बाद, कुछ नहीं है, पहले इसे मिक्स फ्रैक्शन से चेंज करके प्रॉपर फॉर्म में लाइए, डिवाइड तो हो ही रहा नहीं, फिर उसे सिंबल चेंज कर दीजिए। जैसे लास्ट पार्ट देखते हैं 5/3/4/7, ठीक है, इसको स्पेल चेंज करते हैं 7 × 21 = 25/7, अब इसे रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई में ले आते हैं। अब देखिए कट रहा है 5 × 5 =
5 5 25, तो ये आ गया 1 × 7 / 1 × 5, तो ये हो गया 7/5। तो इसे नोट कर लीजिए। तो यही खत्म होता है फर्स्ट क्वेश्चन हमारा।